अग्रहरी समाज विकास सेवा संस्था द्वारा इस वर्ष अखिल भारतीय अग्रहरी समाज का शताब्दी वर्ष बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर राष्ट्रीय महासम्मेलन एवं अग्रहरी परिवार समारोह का भी जोशो खरोश के साथ आयोजन घनसोली स्थित न्यू बॉम्बे सिटी स्कूल के प्रांगण में किया गया था। अखिल भारतीय अग्रहरी समाज संगठन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह के आयोजन का सुनहरा मौका अग्रहरी समाज विकास सेवा संस्था मुंबई नवी मुंबई को प्राप्त हुआ था, जहां पर हजारों की संख्या में अग्रहरी समाज के लोग मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद के सांसद और अखिल भारतीय अग्रहरी समाज के संरक्षक श्यामचरण गुप्ता अग्रहरी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राधेश्याम अग्रहरी, नवी मुंबई अग्रहरी समाज विकास सेवा संस्था के अध्यक्ष रमेश अग्रहरी और उपाध्यक्ष राजेश अग्रहरी, एपीएमसी सब्जी मंडल के संचालक शंकर पिंगले आदि मान्यवर मौजूद थे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभा का भी आयोजन किया गया था, जहां पर इस समाज के बच्चे और महिलाओं ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही इस दौरान समाज के गुणवंत छात्रों का सत्कार उपस्थित मान्यवरों के हाथों किया गया। इस मौके पर इलाहाबाद के सांसद और अखिल भारतीय अग्रहरी समाज के संरक्षक श्यामचरण गुप्ता अग्रहरी ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में इस समाज का काफी बड़ा योगदान रहा है। नवी मुंबई में होने वाले अग्रहरी वैश्य समाज के इस सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक एकता, सामाजिक विकास, सामाजिक शिक्षा में उत्थान और बढ़ोतरी और आर्थिक उन्नति के लिए जितने भी उपाय किए जा सकते हों उसी संबंध में चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और एक दूसरे को पहचाने, अपनी शक्ति को भी समझें और कितनी तादाद में मुंबई में अग्रहरी वैश्य समाज के लोग रहते हैं, एक जगह पर आने से आज ये महसूस हुआ है कि अग्रहरी लोग भी मुंबई में कितनी तादाद में हैं और अब ये संगठित शक्ति के रूप में आगे सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ करके काम करते रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राधेश्याम अग्रहरी ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की। अग्रहरी समाज का ये शताब्दी समारोह नवी मुंबई में हो रहा है और पूरे भारतवर्ष से अग्रहरी समाज के प्रतिनिधि आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, और इसलिए ये 100 वर्ष में जो समाज की स्थापना हुई है और उत्साहपूर्वक ये मनाया जा रहा है। साथ ही ये किस प्रकार से समाज का आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, शैक्षिक विकास हो और किस प्रकार से नई आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े, अनवरत कार्य करे, इसीलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। नवी मुंबई अग्रहरी समाज विकास सेवा संस्था के उपाध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने भी इस मौके पर खुशी जताई। अग्रहरी समाज का जो आयोजन हुआ, ये हमारे अखिल भारतीय जो हमारे पूर्वजों ने कमेटी बनाई थी आज से 100 वर्ष पूर्व, जो आज 100 वर्ष हो गए, जिसमें हमारे जो शुरू में जिनके पिताजी ने यह कमेटी बनाई थी माननीय श्री रामदयाल सेठ जी, उनके सुपुत्र ने उस कमेटी को आगे बढ़ाया। उसके बाद हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग ने इस कमेटी में सेवा किया और वह सेवा करते करते आज कई सांसद, कोई विधायक, कोई कहाँ पहुँच गया है और एक कमेटी को बढ़ाते चले गए। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी मुंबई कमेटी को जो 10 साल हुआ है, ये 100 साल की कमेटी का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पे आए हुए हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम करके लोगों, बच्चों को
और यहाँ पे जो महिलाओं को उनको प्रोत्साहित किया और हमारे महाराष्ट्र के बारे में जानकारी दी और पूरे भारत से अमेरिका से यहाँ वहाँ से लोग जो हमारे आगरा आज कार्यक्रम देखने के लिए आए थे। इस मौके पर मौजूद एपीएमसी सब्जी मंडल के संचालक शंकर पिंगले ने भी कार्यक्रम के आयोजन की काफी सराहना की। ये जो आगरारी विकास संस्था है नवी मुंबई की, इन्होंने आज यहाँ जो आगरारी समाज का जो काम चालू किया था लोगों ने, उसको 100 साल पूरा हो गया, उसका जो प्रोग्राम रखा था आज यहाँ न्यू बॉम्बे में, न्यू बॉम्बे सिटी स्कूल में रखा है, एक अच्छा सम्मेलन हुआ है। पूरा भारत से लोग यहाँ आ गए और एक आगरारी विकास संस्था ने एक अच्छा आयोजन किया था। ये आयोजन के इतना ही उनका मकसद था कि ये बॉम्बे के या महाराष्ट्र के सब आगरारी इकट्ठे आए, एक दूसरे का परिचय हो गए, एक दूसरे का दुख समझ के लिए, और जो अग्रसेन महाराज ने उनकी जो सोच थी वे प्रोग्राम से अग्रारी समाज ने एक पूरी की। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV समाचार।